खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं अगर बात करें शिबली नेशनल स्कूल अमीलो की, तो यहां के छात्र छात्राएं भी किसी से कम नहीं रहे। शिबली स्कूल के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट 100% रहे, जिससे स्कूल के सभी टीचरों और अभिभावकों में हर्ष व्याप्त है। रिजल्ट आउट होते ही शिबली नेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन प्रिंसिपल और टीचरों ने किया, और सभी बच्चों को प्रिंसिपल और टीचरों ने भविष्य के लिए बधाई भी दी। दरअसल सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट 3 अगस्त को आया है, तो वहीं शिबली नेशनल स्कूल क्लास 12 का प्रथम वर्ष होने के कारण ऐसे 1060 स्कूलों के नतीजे भी कल ही आए हैं। हालांकि क्लास 12th के ज़्यादातर स्कूलों के नतीजे बीते 30 जुलाई को ही आ गए थे। वहीं शिबली स्कूल के संरक्षक मास्टर फारूक ने बताया कि हाई स्कूल में 151 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें सभी सफल रहे। हिमांशु यादव ने 94.8% अंक के साथ स्कूल टॉप किया, तो लिब्जा सानिया ने 93% व अम्बेश यादव ने 91% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान को हासिल किया। इसी प्रकार इंटर में शामिल 75 छात्र छात्राओं में सभी उत्तीर्ण रहे, जिसमें मोहम्मद वासिफ 95.2% के साथ स्कूल को टॉप किया, तो सीजा 94.4% अंकों के साथ दूसरे और अविराल सिंह 94.2% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर प्रिंसिपल फातिमा जहरा सहित सभी शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे यहाँ 12th क्लास ये सीबीएसई का पहला बैच है, जिसमें मोहम्मद कासिफ 95.2%, सीजा जया 94.4% और अविरल सिंह 94.2% के साथ स्कूल में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन सिक्योर किए। 10th क्लास में मेरे यहाँ ये सीबीएसई का तीसरा बैच है। 10th क्लास में कुल 151 स्टूडेंट थे। 10th क्लास का रिजल्ट 100%, जिसमें मिस्टर हिमांशु यादव 94.8%, लिब्जा सानिया 93% और अम्बेश यादव 91%। इस तरह से नंबर सिक्योर करके इन लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन सिक्योर किया। मैं इस स्कूल के प्रशासक के तौर पर और अपनी प्रधानाचार्य मिस फातिमा जहरा की तरफ से इन कामयाब होने वाले सारे बच्चों को अपना दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जिस तरह से मेहनत किए हैं और उस मेहनत में इनके गार्जियंस ने जो इनका योगदान किया है, ये और लोगों के लिए एक नज़ीर बनेगा। आने वाले लड़के जो अगले साल 12th क्लास में या 10th क्लास में होंगे, इन लड़कों से कुछ इंस्पिरेशन हासिल करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस रैंक में खड़े होकर के स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।